लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। जेपी दत्ता की पलटन का ट्रेलर हुआ रिलीज। 1967 में सिक्किम सीमा पर हुए भारत चीन युद्ध की है कहानी। बॉलीवुड डिस्क 50 साल पहले 1967 में सिक्किम सीमा पर भारत और चीन के बीच हुए डिस्प्यूट पर बेस्ड जेपी दत्ता की फिल्म पलटन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। 3 मिनट 11 सेकेंड लंबे से इस ट्रेलर में इंडिया और चाइना के जवानों के बीच सरहद पर लड़ाई दिखाई गई है। 1997 में बॉर्डर बनाकर नेशनल अवार्ड जीतने वाले जेपी दत्ता की इस वॉर ड्रामा में भी उनका चिरपरिचित अंदाज ही सामने आया है। जवानों का एक दूसरे पर बरसना, जवानों की पत्नियों का उन्हें जंग पर जाने से रोकना, यह सब हम जेपी की पिछली फिल्मों में कई बार देख चुके हैं। फिल्म में चाइनीज जवान हिंदी बोलते भी नजर आते हैं। दिखेगी कलाकारों की फौज। फिल्म में जैकी श्रॉफ, अर्जुन रामपाल, सोनू सूद, गुरमीत चौधरी, हर्षवर्धन राणे, सिद्धांत कपूर, लव सिन्हा, ईशा गुप्ता, सोनल चौहान, दीपिका कक्कड़ और मोनिका गिल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में अभिषेक बच्चन को भी कास्ट किया गया था, लेकिन शूटिंग से कुछ दिन पहले उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह हर्षवर्धन राणे को साइन कर लिया गया। लद्दाख में ही रिक्रिएट किया गया नाथुला दरा। असल वाली जंग सिक्किम के नाथुला दरे को बचाने के लिए लड़ी गई थी, लेकिन फिल्म के लिए वह दरा लद्दाख में ही रिक्रिएट किया गया। इन सब के अलावा सभी कलाकारों की ट्रेनिंग आर्मी के जवानों ने 2 पेज में दी। इस बारे में जानकारी फिल्म में आर्मी अफसर का रोल प्ले कर रहे लव सिन्हा ने एक इंटरव्यू में दी। उन्होंने बताया, कलाकारों को आर्मी की सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। कंपा देने वाली ठंड में हमारी रोजाना 4 किलोमीटर की ड्रिल हुआ करती थी। तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक में भी हमने शूटिंग की, वह भी चंद दिन या महज कुछ हफ्ते नहीं, बल्कि कुल 50 से 60 दिनों तक। आर्मी ट्रेनिंग जरूरी थी, वह इसलिए कि फिल्म में हम उस आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो बॉर्डर पर तैनात रहकर पूरे मुल्क की रक्षा करती है। तभी जिस तरह की लाइफ स्टाइल और वर्कआउट से जवान गुजरा करते हैं, वे सब कलाकारों ने किया। वहीं गुरमीत चौधरी के लिए यह फिल्म खास हो गई है। उनके पिता सीताराम चौधरी आर्मी में सूबेदार की पोस्ट पर थे।